सर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सर का सोलो चाहिए प्लीज, जरा प्लीज सर का सोलो चाहिए प्लीज, एक सेकंड नहीं सर, एक सेकंड हमें एक सेकंड फोटो जाएंगे, फोटो जाएंगे, हमें सोलो लेने दो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हम भी वेट कर रहे सर। कृष्णा यार यहाँ पे, कृष्णा कृष्णा सर यार सेंटर सर यार सर, आखिरी में सर सर अब इधर जाए, यहाँ पे एक पिक्चर एक फोटो खाली, सोलो सोलो सोलो, हाँ कोई सर का सोलो चाहिए कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा सर सेंटर 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 में आइए सर, सर थोड़ा सेंटर में आइए सर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सर कृष्णा सर, चलो थैंक यू थैंक यू, वो वीडियो मैडम थोड़ा पीछे आइए ना, एकदम आगे जा रहे हैं आप में, पीछे आओ पीछे, हमें ना पीछे ये पीछे आना, मिला गया भाई तेरे को, मत लेना सबको ना, पीछे आइए, कौन है पीछे भाई मेरे, हां आ चलो अंदर पे टाइम नहीं है, रुकिए रुकिए सर, आइए सर आइए 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 सर, बाय बाय सर आइए आइए, हाँ हिमांशु जी थोड़ा जल्दी ले लो, अंदर लेना, अंदर कर लेना लास्ट, थोड़ा अंदर लेट हो रहा है सर, लेट हो रहा है सर, अच्छा कैमरा आ रहा है मेरा फ्रेम में कैमरा आ रहा है थोड़ा, अच्छा 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 थोड़ा सा सीढ़ियां आगे पास करिए, कृष्णा मैं नहीं नहीं सॉरी मिनी कृष्णा, आइए सब लोग आ जाइए, प्रवीण भारद्वाज जी जिनका इतना अच्छा म्यूजिक है इस फिल्म में, लिरिक्स और म्यूजिक भैया प्रवीण जी को आन दो, वन स्टेप थोड़ा पीछे पीछे आइए, हाँ थोड़ा सा पीछे, सुनील पाल जी, तो ये सब टाइम नहीं है परिवार है, और जैसा कि आपने अभी ट्रेलर देखने वाले हैं उसके बाद ही फिल्म के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, तो सबसे पहले कोने में आ जाते हैं, अपना लेकर आया हूँ बताइए सर, तो फिल्म के बारे में सब लोग दो शब्द बोलते हैं, आप जितने अच्छे वाले शब्द हैं वो बोलने जा रहे हैं, नहीं मैंने तो बताया कि बहुत ही जैसे हमारे प्रोड्यूसर हैं वेजिटेरियन, वैसी ही वेजिटेरियन फिल्म है, और वाकई में आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि हर काम करने वाले से लेकर सेठ जी से लेकर किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो ये एक सटायर कॉमेडी है, आजकल कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो मैं
कभी भी अपनी फिल्म का कोई प्रमोशन होता है कभी नहीं कहता कि एक बहुत हटके फिल्म है। ये हटके एक ऐसा वर्ड होता है ना शक्ति जी, सब लोग बोलते हैं ना हमारी हटके फिल्म है, हटके फिर बात के बाद में भटके फिल्म निकलती है, पता नहीं। ये हमारी ये फिल्म मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज डार्क कॉमेडी है और काफ़ी टाइम से इस तरीके की कोई डार्क कॉमेडी नहीं आई। और आप इसमें परफॉर्मेंसेस देखेंगे सब लोगों ने, मतलब कि मुझे तो सीखने मिला है। हेलो माइक चलता है, मुझे तो सीखने मिलता है बिकॉज इतने सीनियर और बेहतर इतने वंडरफुल एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो थैंक यू वेरी वेरी मच मनोज जी। एंड अभी ट्रेलर देखते हैं, होपफुली आपने अच्छी फिल्म बनाई होगी। शक्ति जी मैं चाहूँगा कि आप अच्छे शब्द बड़े मजे की बात है कि इसमें दो सबसे शरीफ आदमी जो इस इंडस्ट्री में है, गोविंद जी और शक्ति कपूर। वाकई में इस फिल्म के अंदर ये दोनों शरीफ आदमी जो पर्दे में लोगों को डराते रहे हैं, वैसे तो सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, लेकिन इस फिल्म में वाकई में गोविंद जी, शक्ति जी और हमारे पिताश्री, ये जो महान हमारे महान कलाकार सामने खड़े हैं, एक फिल्म ऑफ रिलेशंस है। हमारी आज की जो जनता है, हमारे जो आज के पढ़े लिखे नौजवान हैं, कुछ संस्कृतियाँ पुरानी भूल चुके हैं और वक्त इतना तेज़ी से चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं जो ट्रैफिक में फंसे होंगे वो भी बोलते हैं यार टाइम नहीं है यार जल्दी से ले चल। सो किसी के पास आज के वक्त में टाइम नहीं है, हर इंसान भाग रहा है और इस भागने में काफ़ी कुछ खो बैठता है। तो इस फिल्म के अंदर आपको वो कुछ चंद नई चीज़ें मिलेंगी जो हम लोग शायद भूल चुके हैं। एंड थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स, थैंक्स टू लवली एक्टर्स मनोज जी, थैंक यू सर, अनूप जी के लिए बहुत बहुत वेलकम सर। एक और शरीफ आदमी आए हैं, जोरदार तालियां अनूप जी के लिए। अनूप जी सबसे शरीफ आदमी हैं, एवर ग्रीन हीरो हैं और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, थैंक यू। गोविंद जी आपसे दो शब्द, अनूप जी आइए बीच में, उसके बाद टेलर जल्दी शुरू करना है इसलिए सबसे माफी चाहूंगा, फिर टेलर के बाद फिर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा सर। ये दो शब्द मैं मनोज शर्मा की तारीफ में कहूँगा। इतना बड़ा अरसा हो चुका है मुझे काम करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ये पहले ऐसे डायरेक्टर मुझे मिले हैं कि शॉट खत्म करके जैसे हम वैन में पहुंचे तुरंत कॉल आया, सर आपका शॉट दूसरा शॉट तैयार है। इन्होंने ये फिल्म 22 दिन में ये फिल्म कंप्लीट कर ली और क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए बिना, जो इतना सेंसिटिव मैसेज इस फिल्म के अंदर है वो पूरी ताकत के साथ आपको इसमें असर करता हुआ दिखेगा। मुझे पूरा इंट्यूशन है कि ये फिल्म जिस मकसद से बनाई गई है वो अपना मकसद जरूर पूरा करेगी। अंजन जी आपके बिना तो ये फिल्म वैसे भी नहीं बनती, तो इस सब आपके बन जाती है। अरे सर आपका ही थ्रो थ्रो बन जाती है। मुझे दो शब्द कहने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ये कहना है कि इतने सालों में जो काम किया है मैंने, इसमें से कॉमेडी की पहचान कुछ डायरेक्टरों को है, कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, सबको आता नहीं, माफ कीजिएगा। इसमें मैंने एक मरहूम डायरेक्टर कुंदन शागित जी के साथ काम किया है, उसमें जो सटलिटी थी कॉमेडी के अंदर और मैसेज जो जाता था, वो डायरेक्टर इतने दिनों के बाद मिला मनोज, मैं इन प्रोड्यूसरों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसे डायरेक्टर को चुना, ऐसा डायरेक्टर बहुत कम मिलता है आज के ज़माने में। थैंक यू। और जैसा शक्ति जी ने कहा कि इसके अंदर फैमिली की जो मैसेज है ज़बरदस्त मैसेज है और कितनी सटलिटी से दिया है जो आपकी लाइफ के साथ मिलता जुलता है, इससे अच्छी फिल्म कॉमेडी में कुछ फिल्में हैं उनमें से एक है। धन्यवाद। थैंक यू।
बस चूंकि अभी टेलर दिखाना है इसलिए मैं वन बाई वन टेलर के बाद खाली मैं अपने प्रोड्यूसर मनीष भाई से बोलूंगा, प्रोड्यूसर मेरे सारे हैं कि एक प्रोड्यूसर साहब जरा बोल दें दो शब्द फिर टेलर शुरू करेंगे। आए हुए सभी मेहमानों का, प्रेस का, कलाकारों का, मंत्री जी का, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सबने आज बहुत समय निकाला। फिल्म का नाम टाइम नहीं है लेकिन आज हमारे लिए आपने टाइम निकाला। हम ये फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि सबने समय से पहले इंतजार किया, इंतजार के लिए मैं माफी भी चाहता हूं, लेकिन सबने बहुत अच्छा समय दिया और हम यही चाहते हैं सबकी फिल्म है तो सबको इसको आगे बढ़ाना है। हमारे लिए ये इंडस्ट्री में पहली फिल्म है लेकिन फिल्म पारिवारिक है और परिवार के साथ में लेके चलती है। आपके पास परिवार के लिए टाइम होना ही चाहिए, ये चाहिए। हमने फिल्म गणपति बाप्पा, चार भुजा नाथ और खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से फिल्म चालू की और एक भी बार हमारी फिल्म रुकी नहीं और बहुत ही तेजी से रफ्तार से चली। फिल्म के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था और सभी ने बहुत अच्छा इसमें देखा। मैं इस फिल्म के अंदर कोई ना कोई किरदार में हूँ और वो किरदार ही आपको फिल्म देखने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास टाइम होना ही चाहिए क्योंकि आप परिवार के साथ जाएंगे तो उनको ज्यादा कलेक्शन आएगा। और सर ये जो आपने इतना स्पीच दी इसकी कितने दिन रिहर्सल की थी? सर फिल्म की स्टोरी लिखी है तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों से सीख लिया है। मैं और कृष्णा अलग अलग गाड़ियों में आ रहे थे तो मैंने पूछा कितने प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म में, बोले 8 है। मैंने कहा इनका ही खानदान आ जाए पूरा, पिक्चर हिट है। एक बात मैं आपको बता दूं, शक्ति कपूर जी हमारी मारवाड़ी दाल बाटी के बहुत बड़े फैन हैं तो दाल बाटी जिसके घर पे अच्छी बनती है वो जरूर मेरे से कांटेक्ट करे, मैं उनको साथ में लेके आऊंगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ जो इन लोगों ने, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर्स को जो दाल बाटी इन्होंने मुझे खिलाई है। आज तक दाल भी निकल रही है, बाटी भी निकल रही है। थैंक यू। बस लास्ट में हमारे जो चीफ गेस्ट साहब हमारे अनूप जलोटा जी साहब आए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि दो शब्द। आप तो खैर बहुत प्यारे से वैसे ही बोलेंगे। बहुत कुछ कह दिया गया है और बहुत अच्छा कह दिया गया है, आप लोगों ने खूब मजा लिया है। लेकिन हेलो, एक आजकल मैं एक छोटा सा चुटकुला हर जगह सुनाया करता हूँ कि एक बार एक शरीफ आदमी था, वो बिग बॉस में चला गया। फिर अपनी कहानी बना ली। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, सबने मिलकर फिल्म बनाई, फिल्म खूब चले, लोग बहुत उसका आनंद लें, मजा लें और अभी इसका ट्रेलर देखते हैं। थैंक यू। बस लास्ट में 2 मिनट और, हमारे सांस्कृतिक मंत्री साहब हमारे बीच में हैं, आप प्लीज सर आए और शब्द आशीर्वाद के रूप में आपके लिए बहुत जरूरी है सर। तो आपके लिए बहुत जोरदार तालियां, आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम नहीं है के लिए टाइम दिया सर। तो हम सब लोग अभी ट्रेलर देख लेते हैं ताकि हमारी बातें कितनी सही हैं वो आप लोग समझ जाएंगे। हाँ जी, फोटो कर लेते हैं ग्रुप, थोड़ा पीछे जाइए। जो है ना सिर्फ कास्ट के साथ एक फोटो कर लेते आर्टिस्ट होंगे। हाँ, दो मंत्री हमारे पास हो गया। लुक सेंटर हाँ चलो ट्रेलर करेंगे। थैंक यू सो मच जी, आप सभी यहाँ पे आए हमारे साथ में बहुत ही अच्छा। First of all, I'll thank Manoj for giving me a very different role. और जब मैं first day shooting पे आया तो मैंने मनोज को बोला कि मैंने एक राजश्री की फिल्म की जिसका नाम था हम साथ साथ हैं, और जब मैंने इसकी शूटिंग शुरू की
तो मुझे कुछ राजश्री फिल्म की तरह ही उसकी खुशबू सेट पे आई और जो सीन्स है और फिर एक रिलेशन जो मैंने फील किया। देखिए फिल्म जब चलती है तो कलाकारों का आपस में कॉम्बिनेशन का जो काम होता है ना वो बिल्कुल ईगो के बिना नज़र आना चाहिए। जैसे मैंने कुछ फिल्में की सत्य बसंता की, बाप नंबरी बेटा तसलमरी की, जैसे करनी वैसे भरनी की, तो मेरे बड़े भाई का रोल गोविंद जी ने किया और पहले दिन के बाद ही ऐसा फील होने लगा कि मैं वाकई में इनका छोटा भाई हूँ और ये राम है और मैं इनके लक्ष्मण हूँ। मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया अपने बड़े भाई के चरणों में और उसका जब मैंने ये फिल्म देखी तो ऐसा लगा कि वाकई में अगर आज के युग में ऐसे दो भाई हों और ऐसा बाप हो पिता हो तो एक परिवार कितना खुश, कितना कुशल मंगल और कितना, देखिए जो संस्कार होते हैं जो हमारे हिंदू धर्म में होते हैं जो हम लोग आजकल भूल गए हैं उसके अंदर बहुत खुशियां होती हैं जब इंसान उन संस्कारों को फॉलो करता है। एक परिवार एकजुट रहता है और उसमें अच्छाइयां इंसान के शरीर में रियलिटी में आ जाती हैं और वो गलत सोचना बंद कर देता है, तो ऐसी एक फीलिंग आई। तो मैं इस फिल्म के लिए मैं गोविंद जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, उनकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है बट उनकी छत्र छाया में मैंने भी थोड़ा सा काम ठीक कर लिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू शक्ति जी, आपने बड़ा सम्मान दिया, बड़ी तारीफ की मेरी, बहुत इन्जॉय किया मैंने ये फिल्म करते हुए। मैं फिर घूम फिर के फिर डायरेक्टर पर आ रहा हूँ। इन्होंने बहुत मुझे ये छूट दी कि आप इस सीन को जिस तरह से भी आप कंसीव करें, जिस तरह से भी आप इमोशंस की जितनी डिग्री आप आपके हिसाब से ज़रूरी लगे आप अपने हिसाब से परफॉर्म कीजिए। इनके इन्होंने जो ये छूट दी उसकी वजह से मैं इस कैरेक्टर में बहुत अंदर तक घुस गया और आप देखेंगे छोटे छोटे सीन्स में बहुत ही इम्पैक्टफुल इमोशंस देखने को मिलेंगे आपको और उस सीन का पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो उस पर्टिकुलर सीन में इम्पैक्ट रिक्वायर्ड है। सो तो मैं एक बार फिर अपने डायरेक्टर दोस्त की तारीफ करूंगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखें, आप तो देखेंगे ही, आपकी अपनी फिल्म है। मैं चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से इस फिल्म को जिस तरह से भी प्रमोट कर सकें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस फिल्म को ज़रूर प्रचारित करें, ये फिल्म अपना सही मुकाम पा सके, इस तरह की कोशिश हम चाहते हैं कि आप भी करें। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअल में ये सीन पे सेट किए थे क्योंकि उसी दिन इन्होंने हमको ताज़ा ताज़ा दोनों भाइयों को चेक दिया था। थैंक यू सो मच सर। कृष्णा आपकी हाइट तक पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, आप आ गए। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको शूटिंग करते वक्त एंड व्हाट इज योर टेक बैक? मेरा तो लर्निंग एक्सपीरियंस था बिकॉज़ वी हैव सच वंडरफुल एक्टर्स विद अस, तो एज अ जूनियर होने के नाते मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख रहा था एवरी डे। झूठ बोल रहा है, ये सबको सिखा रहा था। नहीं सर, ऐसा बोलना पड़ता है। नहीं, बट जेन्युइनली ये तो मस्ती मजाक की बात है, बट जेन्युइनली मैं ये मीडिया के लिए किसी के लिए नहीं कह रहा, हम सेट पे भी कहता था गोविंद जी को, मैंने कहा कि आई हैव सीन हिम सो मच वर्किंग इन सो मेनी फिल्म्स, बट मैं इनको सीन्स करते देखता था इतने डूब के। अंजन जी, माय गॉड, इतने बढ़िया सीन्स हम लोगों ने किए। इतनी गर्मी थी, मुझे गर्मी सहन नहीं होती है, लेकिन सेट पर हम लोग सब गर्मी वर्मी भूल के हमारे सीन में खो गए थे, तो इट वॉज़ अ वंडरफुल जर्नी वर्किंग। मैंने मनोज जी के साथ, ये मेरी तीसरी फिल्म है, बट आई थिंक ये फिल्म में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी बहुत अलग था और हमारे सेट पर रोज़ ताली बजती थी। मनोज जी को मैं कहता था कि रोज़ कोई ना कोई लाइट में ना कोई ताली बजाता था, तो 22 दिन तो ताली बजी है, तो इसका मतलब हमारे अगर 22 सीन भी माइंड ब्लोइंग हो गए तो हमारी फिल्म इसका मतलब बहुत बढ़िया है। मुझे बताएं कि कोई ऐसी चीज, पहले तो आप मुझे बताइए कि सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था सबसे ज्यादा, और कोई ऐसी मेमोरी, और ये भी, अच्छा बहुत मस्ती करते थे,
कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी मेमोरी जो आप कभी इंसिडेंट नहीं, मैं मुझे कंप्लेन है कि बहुत जल्दी मार दिया मुझे मार करके मुझे सुला दिया उससे पहले, क्योंकि मुझे और गोविंद जी के और शक्ति के साथ और भी काम करने की इच्छा थी, सीन्स करने की, क्योंकि गोविंद के साथ सीन करने का मजा एक और है। मैंने 3-4 फिल्में की जिसमें सबसे मज़ा आया था पुकार में, और उसमें दूसरे धर्म का भाव ही अलग था। जब ये हमको सॉक्स पहनाते हैं मॉर्निंग वॉक कराने के लिए, दैट वॉज रियली सेंटिमेंटल सीन, विच मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप आँख में पानी आ जाता था। तो मेरा बेटा, क्योंकि आज के डेट में वही कहानी का सब्जेक्ट है, आज के डेट में ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा जो सुबह सुबह पाँव पोछ करके पापा को मोजे पहना करके लेके जा रहा है घुमाने के लिए, जिसे शादी नहीं की, अपना घर नहीं, अपने बाप को फॉलो करके परिवार को कैसे चलाएं एक साथ, ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट का जो आइडिया दिया है, हैट्स ऑफ मनोज, जो कंसेप्ट है उसी ने मुझे मोह लिया, उसे सीन में घुसा दिया। ऐसे ही ये बदमाश लड़का है, थोड़ा बिजनेस मनी माइंडेड है, तो वो सारी फीलिंग अपने आप बन गई थी उस एटमॉस्फेयर में, जबकि वो फैमिली फोटोग्राफ्स ले रहे थे उसी में फील होने लगा था व्हाट इज शक्ति जी, व्हाट इज गोविंद एंड व्हाट इज दिस फिल्म। थैंक यू वेरी मच मनोज। थैंक यू। अब मैं हेमंत जी से पूछना चाहूंगी। हाँ, एक चीज और बोलना भूल गया, एक पंडित जी का जो रोल है जो, और राजपाल का, और ये गोपी का, ये हिलेरियस हिलेरियस जो एकदम नेचुरल है, जो डिमांड है उसमें जो किया है इन लोगों ने, बात करेंगे ये जरा ऐसे भी घुमा के ले लेंगे। ये मनोज जी का शुक्रिया कि लगभग मेरी ये 7वीं फिल्म साथ में है, तो ऐसा लंबा एसोसिएशन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसा मैं मानता हूँ। और हर बार अलग रोल होता है, इस बार का रोल आप देखेंगे तो उसका मज़ा आएगा। मेरे साथी कलाकार जब उस पर मजाक करते हैं या उस पर बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कलाकार जो है निश्चल होता है, निष्काम होता है, तो वो आपकी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो इतने मेरे साथी कलाकारों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, उसके तकिया कलाम को या उसके भाषा को, तो मुझे मेरे लिए वो भी बड़ी उपलब्धि की बात है। और तीसरी बात ये कि इस फिल्म का कोई भी एक सीन या दो सीन या तीन ऐसे सीन होंगे जो हर व्यक्ति को उसके अलग अलग अनुभव के हिसाब से याद आएंगे कि हाँ, ये तो मेरे परिवार में हुआ था, ऐसा तो मेरे भाई के यहाँ हुआ था, ऐसा तो मेरे फलाने के यहाँ हुआ था। तो पूरी तरह से इसलिए भी ये पूरी तरह पारिवारिक फिल्म हो जाती है। बाकी तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत बहुत शुभकामना। इससे पहले आगे बढ़े, मैं हमारे एक और गेस्ट हैं यहाँ पीछे जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे आगे रहते हैं, योगेश भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप देखते हैं हमारे बैनर लगे होते हैं ब्राइट वाले, तो हिंदुस्तान में जितने बैनर लगते हैं वो यही लगाते हैं सारी फिल्मों के, तो इनके लिए जोरदार ताली, मिस्टर योगेश लखानी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं योगेश जी के लिए एक बात जरूर कहूंगा, मैं पहले इनको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन एक मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी उसका थोड़ा पब्लिसिटी के लिए बजट नहीं था, तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे इनके पास गया और मैंने बोला कि ये फिल्म है, इसका बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर आप कुछ बैनर हमें दे देंगे। तो मुझे यकीन नहीं आता है कि इन्होंने पूरे बॉम्बे में एक रिलेशन के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए जिसके पास पैसा नहीं था, कुछ इतने बड़े बैनर लगा दिए। अगर बिल बनाने जाएं तो आज उसका 30-35 लाख का बिल होगा, लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। थैंक यू। इसका मतलब ये पैसे नहीं लेते हैं ऐसा कुछ है? नहीं, लखानी हो आप तो ऐसे कैसे। उसके बाद बोले मैं अस्पताल खोल रहा हूँ, वहाँ आ जाना, जो जयपुर में मेरा शो है वहाँ आ जाना। नहीं नहीं, इनका इनका जो अस्पताल भी है, इन्होंने फ्री बहुत इन्होंने समाज के लिए किया है। इन्होंने कहा मुझे एक दिन के समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मुझे भी आज समाज को वापस कुछ करके दिखाना है। हॉस्पिटल खोला है,
पूरा फ्री इलाज करते हैं सर ये। आप कुछ बोलेंगे योगेश जी? क्या कहना चाहेंगे योगेश भाई? मतलब आप जैसे बड़े प्रोड्यूसर से पैसा ले देगा और छोटे लोग को फ्री में दे देगा ऐसा है? अरे हमारे चार चार प्रोड्यूसर है, एक एक 35-35 देगा ऐसी क्या बात। मतलब होल्डिंग ऑल इंडिया लगेंगी, आज कंफर्म हो गया है किससे सुनाने के बाद। जितने भी सुपरस्टार्स जो थे ना पहले ऐसे छोटे ही थे, उनकी पहली पिक्चर मैंने की है, तभी मैंने सबको सपोर्ट किया है, तो आज वो इतने बड़े बन गए तो उनका करोड़ों का काम भी मुझे बिजनेस पैसे से ही मिलता है। तो पहला दिन मैंने फ्री दिया, उसका फायदा हुआ फ्यूचर में। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। अब मैं हमारे प्रोड्यूसर्स जी से कहना चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि आपका शूटिंग एक्सपीरियंस। फोन पे लगे हुए थे तो वी वर ओनली डिस्कसिंग दिस फिल्म। कृष्णा ने ये फिल्म देखी नहीं, मैंने देखी, तो मुझसे पूछ रहे थे ये फिल्म कैसी है, कैसी लगी। तो मैंने कहा फिल्म तो बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छी लगी। तो कृष्णा ने बोला कि अगर ये प्रोड्यूसर लोग जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने इतना पैसा भी खर्चा किया है, अगर इसकी रिलीज और इसके थिएटर्स और इसकी पब्लिसिटी अच्छी करें, मतलब दिल खोल के करें, तो दिस फिल्म कैन रियली हैव अ मेजर मतलब सक्सेस एंड अ ह्यूज हिट। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, ये 8 प्रोड्यूसर हैं तो अरे मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, तो 6 मैं हो गया, कृष्णा 7वां हो गया, मनोज 8वां हो गया, तो हम लोग तो साथ साथ हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि अगर मीडिया हमें अपना सहयोग दे और इस फिल्म को, क्या आज मीडिया इतनी ताकतवर हो गई है कि कुछ भी कर सकती है, और हमेशा अच्छी चीज़ के लिए और नए प्रोड्यूसरों के लिए तो आज की मीडिया बहुत हेल्प करती है। तो मीडिया प्लीज हेल्प दिस फिल्म और हमारे लिए टाइम निकालना, ऐसा नहीं बोलना कि टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच। और आज जो अदर रजनीश दुग्गल और युविका चौधरी, उनका शूट है, आउट ऑफ बॉम्बे हैं वो, वरना आज हमारे साथ होते, जो हमारे फिल्म के परिवार के और फिल्म के बहुत मेजर पार्ट हैं वो। छोटा चेतन कहाँ है? छोटा चेतन, हाँ, राजपाल भाई भी बाहर शूट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट अटेंड जो भी हमारा प्रेस मीट होगा उसमें हम जरूर सब लोग साथ रहेंगे। मैं एक बार फिर से हमारे मंत्री जी करूँगा, आप ये फिल्म देखें और अगर आपका दिल बोलता है तो इसको टैक्स फ्री अवश्य करें। ये क्या होता है कि आज का दौर बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो फिल्म, मेरी बिटिया का सबसे बड़ा एग्जांपल है, एक फिल्म आई स्त्री जो 8 या 9 करोड़ में बनी, लेकिन उसने बिजनेस किया 150 करोड़ का, क्योंकि कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं पर कंटेंट नहीं होता, नहीं चलती है। लेकिन ऐसे न्यू कमर प्रोड्यूसर्स और फिल्म जिसमें कंटेंट है, एक सबक है, अगर आपके दिल को छूती है तो आप अवश्य इसको टैक्स फ्री करवाने में हमारी मदद करें, रिकमेंड करें। थैंक यू। अनूप जरूटा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे पूरी टीम की तरफ से, और वीनस के मालिक हमारे चंपक जैन जी भी हैं, हाँ जी, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना पूना से आए स्पेशल वो खाली इस अटेंड के लिए। चंपक जी अगर हैं तो प्लीज़ आइए, चंपक जी और अनूप जी, तो चंपक जी प्लीज़ आप आएँ। उन्होंने हमारे टाइटल को सीरियसली लिया, हमारे टाइटल को सीरियसली लिया है, टाइम नहीं है, दोनों चले और आगे का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। शक्ति जी की बात को ध्यान में रखते हुए आई वुड नाउ लाइक द मीडिया टू कम ओपन एंड कम फॉरवर्ड विद देयर क्वेश्चंस फॉर आवर कास्ट। दुर्गेश ले गया, दुर्गेश ये फिल्म लाइफ में टाइम नहीं है, सबको देखनी चाहिए, अपने परिवार के साथ देखनी चाहिए, और मैं बहुत खुश किस्मत अपने आप को फील करता हूँ कि मुझे एक ऐसी इमोशनल सेंसिटिव फिल्म में काम करने का मौका मिला। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस फिल्म को देखें और ऐसे नए प्रोड्यूसर्स को हेल्प करें ऐसी फिल्म्स को सक्सेस बनाने में, क्योंकि इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है। एंड आई विश द मीडिया ऑल द बेस्ट, एंड द मीडिया शुड कम फॉरवर्ड, एंड इफ दे लाइक द फिल्म दे शुड हेल्प पब्लिसाइजिंग दिस फिल्म इन अ बिग वे, सो दैट इट डज अ मेजर बिजनेस एंड
becomes a big success. मैं पुराने अवतार में नहीं हूँ इसमें, एक पारिवारिक फिल्म है. जैसे मैंने बोला कि मैंने राजश्री की एक फिल्म की थी जिसका नाम था हम साथ साथ हैं, तो वही फील देगी एक इंडियन फैमिली के बारे में कि हमारे आज के युग में जो नौजवान हैं वो धन दौलत कमाने के चक्कर में अपने परिवार को कैसे भूल गया है. और ये भी भूल गया है कि घर में परिवार में अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए क्या पूजा करनी चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, और जो एक हिंदू धर्म है उसको फॉलो नहीं करते हैं आज के नौजवान. बोलते हैं कि टाइम नहीं है, हमको एक दिन में जाना है, अगर चौथा है वो भी पहले दिन कर लो, अगर तेरहवा है वो भी पहले दिन कर लो, एक ही दिन में सब कुछ निपटाओ. ये भूल जाते हैं कि जिस आदमी को आप निपटा रहे हो एक ही दिन में, उसी ने आपको अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई में पढ़ाया है, लिखाया है, नौकरी में शादी करवाई है, और आप बोलते हैं कि अब इसको एक ही दिन में निपटा दो, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है. सर, मैंने वो फिल्म देखी छिछोरे, और मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म थी. पिक्चर जब ख़त्म हुई तो मैं, मेरे से उठा नहीं गया, मैं दो मिनट या तीन मिनट तक रोता रहा, आंखों से आंसू रोक नहीं पाया था. तो मेरी बेटी ने मुझे संभाला, सुशांत ने संभाला. मैंने कहा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए और ऐसे डायरेक्टर हमारे कंट्री में होने चाहिए, और ऐसे प्रोड्यूसर्स जो साजिद भाई हैं जो कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ ऐसी फिल्में भी बनाते हैं जो ये सोच के नहीं बनाते कि इसमें पैसा बनाना है. क्योंकि फिल्म अच्छी होती है तो ऊपर वाला खुद ब खुद उनको पैसा देता है, क्योंकि नियत, वो कहते हैं ना भगवत गीता कहती है, नियत तेरी साफ हो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हों तो घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी. किसके सपोर्ट में? हाँ, वो हरियाली के बहुत प्यार करती है. वो उसके खुद के रूम में इतने पौधे लगे हुए हैं और वो पौधों को बच्चों की तरह परवरिश करती है, पानी देती है, तो उसका बहुत दिल टूटता है जब कोई किसी दरख्त को काटता है या हरियाली का थोड़ा सा ख़राब करता है. तो शी लव्स नेचर, वो लड़की बहुत अच्छी लड़की है और उसको दिल टूटता है. वो कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, अगर हम उसको काटते हैं तो हम किसी का हाथ काटते हैं वैसे उसमें से भी खून निकलता है, वैसे ही पौधों को भी तकलीफ़ होती है. जब हम उसको जड़ से निकाल देते हैं तो उनकी मौत हो जाती है जैसे इंसान की मौत हो. मैं तो बोलूँगा कि ये हरियाली को तो हमको, नेचर को तो रखना चाहिए, नहीं तो ये एज इट इज़ ये धरती का हम लोग इतना बोझ उसके ऊपर डाल रहे हैं और जो नेचर को है उसको काट रहे हैं और उसकी जगह दूसरा गलत बोझ डाल रहे हैं, ये नेचर बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए नेचर को कंट्रोल में रखो. कृष्णा सर, कृष्णा को कृष्णा को लेकर जल्दी कृष्णा ले लीजिए, कंट्रोल कंट्रोल. अरे आप तो ले दो हमेशा ही. चलो भाई ये थोड़ा पीछे जगह नहीं मिल रहा, थोड़ा सा यार ले. अरे जगह कितना चाहिए आपको? रोल है सक्का कहना चाहिए मूवी के लिए. ट्रेलर काफी फैंटास्टिक है, सभी को अच्छा लगा. नहीं, अच्छा सटायर कॉमेडी है, डार्क ह्यूमर जो है, डार्क कॉमेडी बहुत टाइम से नहीं आई है, तो एक फैमिली ड्रामा और डार्क कॉमेडी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और एक्टर सारे अच्छे हैं बहुत. क्या बोलते हैं, हमको जब काम करते हैं खुद पता चल जाता है कि सीन्स कैसे हो रहे हैं, फिल्म के कहाँ लेके जा रही है, कहाँ जा, किस तरफ जा रही है. तो हमारे हिसाब से तो हम लोगों ने मेहनत करके काम किया. आई थिंक अभी लाइनअप, मुझे फिल्म देखनी है, होपफुली अच्छी होगी. मेरा तो बहुत शरारती, मैं ही एक शरारती मैं ही हूँ पूरे घर के अंदर. बाकी वो रजनीश बहुत ही सीधा साधा है, युविका भी थोड़ी उस टाइप की है. तो जितनी शरारत करता हूँ मैं ही करता हूँ, और जितने लफड़े हैं जिस वजह से घर में कांड हो जाता है वो भी कांड मेरी वजह से ही होता है. इस फिल्म में देखा जाए तो लेजेंड्स के भरमार हैं, हम बोल सकते हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस के साथ में रहा, ऑफ स्क्रीन की बात करें तो कितना सीखने के लिए? मैं तो सभी को जानता हूँ बहुत अच्छे से, इट वॉज वंडरफुल. शक्ति जी को तो मैं बचपन से जानता हूँ अपने, तो शक्ति जी के साथ भी बहुत एक्साइटेड. गोविंद जी के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया, अंजन जी को मैं जानता हूँ, राजपाल के साथ मैंने पहले काम किया, तो गोविंद जी एक नए थे मेरे लिए. तो मैं थोड़ा सा था कि गोविंद जी बहुत ही थिएटर वाले हैं, बहुत ही परफेक्ट कैरेक्टर पकड़ना, परफेक्ट चीज़ें करना, तो मैं वो देख देख के हम लोग तो सीखते ही हैं, तो इट्स वॉज लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो. बट अच्छा, हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया सबके साथ.
वो तो हम लोग वो भी यार कमाल है, हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं उसके लिए जो आप लोग देखते हैं। हमारी नाला सुपारा में 1 करोड़ रुपया चाहिए तो मुकेश भी है वहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आता है हम लोग को, हम बड़ा इन्जॉय करते हैं। आप देखते हैं हम खुद ही हंसते रहते हैं कभी कभी, कपिल और मैं खुद ही हंस देते हैं, बड़ा मज़ा आता है। इट्स सो मच ऑफ फन डूइंग दैट शो। तो क्या इस मूवी का प्रमोशन वहाँ होगा? हाँ डेफिनेटली होगा, हम लोग अपनी प्रमोशन तो करते हैं। मैं जो 1-2-3 अभी एकता कपूर हम लोग गए थे बू का प्रमोशन करने, तो हमारा भी प्रमोशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। कश्मीरा शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब, उस फिल्म का प्रोड्यूसर मैं हूँ, इसीलिए मेरे लिए वो फिल्म, इस फिल्म के प्रोड्यूसर खड़े हैं बगल में नहीं लेकिन वो फिल्म बहुत, वो भी कमाल की फिल्म बनी है, मरने भी दो यारों, उसका भी अभी ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, आप देखेंगे वो भी बहुत ही डिफरेंट। उसमें मेरे 9 अवतार दिखेंगे आपको अलग अलग, मैंने अलग अलग गेटअप्स लिए हैं फिल्म के अंदर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उस फिल्म की कहानी भी बहुत अलग है और जल्दी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। इस इंडस्ट्री में कहते हैं कि प्रोडक्शन संभालना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत मुश्किल काम है। क्या कहने चाहेंगे उसके लिए? दो काम लोग टॉर्चर करते हैं आपको, प्रोड्यूसर जब बन जाओ तो बेफजूल के आपको बिल भेजते हैं लोग कि ये पैसा बाकी था, वो पैसा बाकी था, ये भी पैसा देना है, वो भी पैसा देना है, तो बड़ा टॉर्चर होता है। प्रोड्यूसर बनना बहुत ही मुश्किल का काम है। अच्छा मैं प्रोड्यूसर बना हूँ तो अभी मुझे इनका दर्द पता है कि इतनी ये तो, लेकिन फिर भी मैं तो अकेला था दर्द लेने वाला, ये तो 6-7 लोग हैं बांट लेंगे, है ना, मैं तो अकेला परेशान। तो प्रोड्यूसर्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे कैसे करके वो लोग फिल्म बनाते हैं। आज की डेट में बहुत मुश्किल है फिल्म टेलीविज़न करना, लेकिन लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ देम और उनको ऐसा काम करके दें कि उससे उनको बेनिफिट हो, ताकि वो और फिल्में बनाएं। एस्केप की है देखा जाए तो दबंग टूर भी आ रहा है एंजल्स के लिए। अरे वो तो भाई के तो हम तो बहुत प्यार करते हैं भाई को, हमारे प्रोड्यूसर भी हैं भाई, है ना, और इसीलिए नहीं कि प्रोड्यूसर हैं बल्कि वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स, जिनको मैं हमेशा उनके बारे में कहता हूँ कि वो एक सुपरस्टार हैं और उनका जो हार्ट है वो और बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो ही लव्स एवरीवन, वी लव हिम, पब्लिक लव्स हिम, तो हम यही विश करते हैं कि उनकी सारी ही फिल्में सुपर हिट हों।